दोस्तों, गर्मी का मौसम और ठंडा चटकारा भरा मौसम्बी का जूस किसे अच्छा नहीं लगता। यह आपको अंदर से तरोताजा कर देता है और यह आपके लिए हेल्दी भी काफी होता है। इसमें कई तरीके के गुण होते हैं और नॉर्थ इंडिया हो चाहे साउथ इंडिया, चाहे ईस्ट हो चाहे वेस्ट, आपको ये फल आराम से कहीं भी मिल जाएगा। मौसम्बी को इंग्लिश में सिट्रस लिमिटा भी कहा जाता है। ये एक संतरे और नींबू की फैमिली का ही फल है और इसमें पाए जाते हैं कई तरीके के गुण। मौसम्बी संतरे से ज्यादा खट्टा होता है और इसमें गुण भी संतरे से कहीं ज्यादा होते हैं। चलिए आज हम जानेंगे इस मौसम्बी के बारे में और जानेंगे कि क्या किडनी के पेशेंट मौसम्बी को खा सकते हैं, कहीं मौसम्बी किडनी की बीमारी के दौरान उन्हें नुकसान तो नहीं पहुंचा देगा। दरअसल में एक किडनी पेशेंट की सबसे बड़ी सरदर्दी होती है उसकी डाइट। एक किडनी पेशेंट को ये ध्यान रखना होता है कि उसके शरीर में किस किस तरीके के मिनरल्स जा रहे हैं। एक किडनी के पेशेंट के शरीर में फास्फोरस, पोटेशियम और प्रोटीन जैसे मिनरल्स की मात्रा को कंट्रोल करके रखना होता है। अगर इनमें से कोई भी मिनरल्स किडनी के पेशेंट के शरीर में ज्यादा मात्रा में बढ़ता जाएगा तो उनके शरीर के अलग अलग अंगों को अलग अलग तरीके के नुकसान पहुंचने लगते हैं। किडनी की बीमारी के दौरान एक किडनी पेशेंट का शरीर वैसे ही कमजोर होता है और इन तरह तरह के कॉम्प्लिकेशन की वजह से उनका शरीर अंदर से टूट भी सकता है, जिससे कमजोर किडनी का पेशेंट और तेजी से किडनी फेलियर की ओर जाता जाता है और आखिर में होता ये है कि उसकी मौत भी हो सकती है। यानी कि किडनी पेशेंट को पूरी देख परख के कोई भी चीज अपनी किडनी की डाइट में खानी होती है। वहीं बात आती है मौसम्बी की, तो क्या मौसम्बी किडनी के पेशेंटों के लिए अच्छा साबित हो सकता है? ये जानने से पहले चलिए जानते हैं कि आखिर में मौसम्बी में होता क्या क्या है। मौसम्बी में कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, शुगर पाया जाता है, बहुत ही कम मात्रा में फैट पाया जाता है, बहुत ही कम मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। इसमें कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस और पोटेशियम भी पाया जाता है, पर इसमें एक बहुत अच्छी चीज पाई जाती है जिसे विटामिन सी कहा जाता है। विटामिन सी एक ऐसी चीज होती है जो आपके शरीर की इम्यून शक्ति को बहुत ही तेजी से बढ़ा देता है। दरअसल में एक किडनी पेशेंट के शरीर में इम्यूनिटी की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है, जिसकी वजह से उसे तरह तरह की बीमारी घर करने लगती है और वो किसी भी बीमारी का रोगी बनने लगता है। इसी चीज की वजह से एक किडनी पेशेंट ना सिर्फ किडनी की बीमारी से परेशान रहता है, पर साथ ही साथ में उसे और भी तरह तरह की बीमारियां हो जाती है। उसकी इम्यून शक्ति कम होने की वजह से वो इनमें से किसी भी बीमारी से लड़ नहीं पाता और ये नुकसान धीरे धीरे उसके शरीर को खोखला करता रहता है। ऐसे पेशेंट को जरूरत होती है स्ट्रांग इम्यूनिटी की, जिसे देने की काबिलियत रखता है विटामिन सी। विटामिन सी एक ऐसी चीज है जिससे हमारे शरीर के सेल्स स्ट्रांग बनते रहते हैं। विटामिन सी की ही वजह से हमारे शरीर के व्हाइट ब्लड सेल भारी मात्रा में बढ़ जाते हैं। व्हाइट ब्लड सेल ही वो चीज है जो हमारे शरीर को तरह तरह की बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता रहता है। यानी कि अगर आप एक ऐसी किडनी के पेशेंट हैं जिनकी किडनी की बीमारी शुरुआती स्टेज में है, यानी कि उनके शरीर में तरह तरह के मिनरल्स भारी मात्रा में इकट्ठा नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे किडनी के पेशेंट मौसम्बी को खा सकते हैं, पर तब भी उन्हें इसे कम मात्रा में खाना है। पर मौसम्बी में एक बहुत ही खतरनाक चीज होती है जिसे पोटेशियम कहा जाता है। सिर्फ 100 ग्राम मौसम्बी में करीब 500 मिलीग्राम पोटेशियम होता है। दोस्तों, किडनी के ज्यादातर पेशेंटों के लिए पोटेशियम बहुत ही हानिकारक मिनरल होता है। दरअसल में पोटेशियम का काम होता है हमारे शरीर में हमारे हार्ट रेट को नियंत्रित करना। पोटेशियम की वजह से ही हमारा हार्ट एक रेगुलर रेट पे धड़कता है। अगर ये पोटेशियम की मात्रा हाई हो गई या कम हो गई तो हमारा हार्ट रेट ऊपर नीचे होता रहता है। ये आपके शरीर के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। किडनी की बीमारी के दौरान मौत की मेन वजह हार्ट अटैक होती है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे शरीर में धीरे धीरे पोटेशियम इकट्ठा होता जाता है जो हमारे दिल को ढंग से काम नहीं करने देता। ऐसे में हमारे कमजोर दिल पर और ज्यादा दबाव पड़ने लगता है। हाई पोटेशियम की वजह से आपका ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाता है और हाई ब्लड प्रेशर आपकी किडनियों पर और तेजी से असर डालने लगता है। दरअसल में हमारे शरीर का पूरा खून हमारी किडनियों और हमारे हार्ट के थ्रू होते हुए जाता है। हाई पोटेशियम होने की वजह से आपको जो हाइपरटेंशन हो जाता है, उस वजह से बहुत तेजी से खून हमारे इन्हीं दोनों अंगों पर असर करने लगता है, जिसकी वजह से इन्हें कमजोर होने में देरी नहीं लगती। मौसम्बी के हाई पोटेशियम को कम करना बहुत ही मुश्किल होता है। कई लोग मौसम्बी का जूस भी पीते हैं, पर आप ये जान लीजिए कि मौसम्बी का जूस तो किडनी पेशेंटों के लिए जहर के ग्लास के समान है। अगर सिर्फ एक मौसम्बी में इतना पोटेशियम होता है तो एक ग्लास जूस में तो कितना पोटेशियम होगा आप अंदाजा लगा लीजिए। अगर आपने सिर्फ एक ग्लास मौसम्बी का जूस पी लिया तो आपके शरीर में इतना पोटेशियम चला जाएगा कि आपकी किडनी की बीमारियां बहुत ही ज्यादा सीवियर हो जाएंगी और इन्हें
ठीक करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। किडनी के बीमारी के दौरान क्या खाएं, क्या नहीं, इसकी लिस्ट बहुत ही लंबी और फॉलो करने में जटिल होती है। इसलिए जरूरी यह है कि आप जल्द से जल्द अपनी किडनी के बीमारी का इलाज कर दिखाएं, जिसमें आपकी मदद कर सकता है कर्मा आयुर्वेदा का आयुर्वेदिक ज्ञान, जहाँ डॉक्टर पुनीत धवन डेली न जाने कितने ही पेशेंटों की किडनी की बीमारियों को जड़ से उखाड़ बाहर फेंक देते हैं। आप चाहे तो नीचे स्क्रॉल हो रहे नंबरों पर हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर से फ्री कंसल्टेशन के लिए कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। हेल्दी रहें, खुश रहें।